निर्गस, ये वाला ये निर्गस है, और ये है शटर। इस शटर का और निर्गस का मैं आपको आज टाइमर समझाऊंगा, इसकी सेटिंग समझाऊंगा कि कैसे की जाती है। ये शटर जब घूमता है तो कहाँ पर आपको रुकना चाहिए और इसकी नोक कितनी आगे और पीछे होनी चाहिए। इसी तरह इस निर्गस का अप डाउन कितना होना चाहिए और कितनी शटर की दूरी पर होना चाहिए, ये मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल चाल, ठीक ठाक नाज़रीन, उम्मीद आप सब भी खुश होंगे। आज का मेरा मौजू है गज नीडर का टैमिक और गज नीडर की सेटिंग का तरीका बताऊंगा आपको। ये अक्सर मैसेज आ रहे हैं मेरे चैनल पर कमेंट में कि आप नीडर गज का तो बताते हैं लेकिन टैमिक की हमें समझ नहीं आती, तो मैंने सोचा आज आपको जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको आज अच्छे तरीके से समझाऊंगा नीडर गज का टैमक कैसे सेट किया जाता है। ये है इसका नीडर गज, ये वाला ये नीडर गज है, और ये है शटर। इस शटर का और नीडर गज का मैं आपको आज टैमक समझाऊंगा, इसकी सेटिंग समझाऊंगा कि कैसे की जाती है। ये शटर जब घूमता है तो कहाँ पर आपको रुकना चाहिए और इसकी नोक कितनी आगे और पीछे होनी चाहिए। इसी तरह इस निडर गज का अप डाउन कितना होना चाहिए और कितनी शटर की दूरी पर होना चाहिए, ये मैं सबसे पहले फेस मत्था जो बीच का लूज़ कर लेना है। तो चलते हैं, इस फेस मत्थे को लूज़ करते हैं, ये लूज़ कर इसको साइड में रख लें। नाज़रीन आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, आपने सारी वीडियो को गौर से देखना। अर्ज़ करें एक मिसाल के तौर पर आपका ये निडर गज लूज़ हो जाता है और लूज़ होकर नीचे गिर जाता है, यानी कि निडल पटरी के नीचे और शटर के ऊपर लगता है, टच कर रहा है। ठीक है, अभी मैं आपके सामने प्रैक्टिकल करके बताऊंगा आपको, यानी कि ख़राब करूंगा पहले चीज़ को फिर आपको ठीक करने का तरीका बताऊंगा। ये आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर ख़राब चीज़ हो जाए तो आपने ठीक कैसे करनी है। ठीक है, आपने फुट प्रेस को लूज़ कर लेना है इसको, ये देखें, ये मैंने ये आपको बता रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको नाज़रीन कि आपको कैसे आपको मैं सिखाऊंगा और कैसे बताऊंगा, आपने इसको गौर से देखना है। ये है निडल गज, इसका यहाँ से पीछे से जो होल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ से पीछे से नज़र आ रहा होगा, ये देखिए पेच का डालो यहाँ पर, ये है, और ये लेंथ का स्टार्ट है, इसके पीछे एक पेच होगा, तो आपने उसको लूज़, यानी कि मैं लूज़ करके बताता हूँ आपको, ये देखें ये लूज़ हो गया। ठीक है, ये देखें नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, यानी कि ये पर्द करें आपका फ्री है, निडल गज फ्री होने के बाद यहाँ पर नीचे लूज हो चुका है, और आपने ठीक कैसे करना है ये बताऊंगा आपको। आपने क्या करना है कि सिलाई मशीन को आपने ये देखे जैसे मैं कर रहा हूँ, आपने ऐसे ऐसे कर लेना सिलाई मशीन को, फिर आपने वीर को घुमाना है, देखना है कि शटर कहाँ पर लग रहा है। ये देखें अक्सर गज जब लूज हो जाते हैं तो यहाँ पर लगने लगते हैं शटर पर, जैसे देखें निडल गज कितनी नीचे आई हुई है, आपने इसको कितना ऊपर रखना है, कितना अप करना है, तो कितना ढूंढना चाहिए। इसका तरीका ये है, पहले मैं आपको निडल गज के बारे में बता देता हूँ। तो आपने यहाँ से चुटकी पकड़ना है, ये चुटकी है इसको जहाँ पर स्वीट दी है, तो आपने यहाँ क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लें, इतना थोड़ा सा, देखें ये देखें कितनी डाउन हो रही है और कितनी अप हो रही है, ये गौर से देखें सिर्फ इतनी, ये देख रहे हैं सिर्फ इतनी होनी चाहिए जितनी मैं कह रहा हूँ, देखें जितनी आपको स्पीड नज़र आ रही है सिर्फ इतनी डाउन होनी चाहिए जितनी, ये देखें बस, यानी कि कम से कम एक नोक कितनी होगी, यानी कि आधा सूत्र होगी, इतनी स्वीट होनी चाहिए, यानी कि जब आपकी ये फिंगर उंगल है ये इसको यहाँ पर टच होनी चाहिए, हल्की सी ऐसी ऐसे महसूस होनी चाहिए, आप यहाँ पर लगा कर देख सकते हैं, ठीक है, ये टच हो रही है, सिर्फ इतनी निडल गज डाउन होनी चाहिए। आपने क्या करना है, ये आप होल देख रहे हैं, ये वाला होल लेंक वाला, यहाँ तो पीछे से मैंने जब पेज का से पेज लूज किया था, आपने यहाँ से ही पेज का डालना है और पेज को अटैच कर देना है, तो आपने लेंक को व्हील घुमाना है और लेंक सामने होल के सामने आ जाएगा, देखें ये फिर डाउन हो गई है,
आपने क्या करना है, ये देखिए नाज़िम, आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने ये आप देख रहे हैं लैंक जिसने गाज को पकड़ा होता है, आपने सबसे पहले से यहाँ से देखें पीछे से जो पेचकस आता है यहाँ से ये सुराख है, इस स्टार्ट के लैंक को जो पेच है वो सामने आपने सुराख के पहले कर लेना है, सामने जैसे कर लेना, ठीक है, इसको यहाँ पर कर लें पहले सबसे पहले, और फिर ये देखें ये देखें। तो मैंने आपको नाज़िम बता दिया कि लैंक कहाँ रखना है जिसने गाज को पकड़ा होता है, फिर आपने इस गाज को थोड़ा सा ऊपर करना है, ये देखें यहाँ पर ये निडर गाज का टैमक है, आपने यहाँ पर टैमक सेट कर लेना है, ना इससे ज़्यादा नीचे हो ना ऊपर हो ना आप नड हो, यहाँ पर आपने सेट कर लेना है, जो जैसे मैंने आपको बताया गाज की नोक बस आपने इतनी ही डोन करनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल करनी, ज़्यादा करने से गाज की जो नोक है या शटर की नोक पर लग सकती है या डब्बी पर लग सकती है, निडर सुई सिर्फ इतनी डोन होनी चाहिए। इसके बाद आपने इस लैंक को ये वाला लैंक है इसको यहाँ से पीछे से जो देख रहे हैं यहाँ से पेचकस आपने पीछे से पेच का टाइट कर देना, ठीक है, ये देखिए ये पीछे से पेचकस है आपने यहाँ से टाइट कर देना, फिर आपने मशीन को सिले कर लेना, यहाँ से आपने पेचकस को टाइट करना है, पेच को नजर आ रहा होगा आपको देखना, ये देखें ये मैंने निडल गाज सुई कितनी डोन होनी चाहिए बता दिया है कि निडल गाज का टैमक कितना होना चाहिए और कितना डोन कितना अप होना चाहिए, सुई कितनी नीचे होनी चाहिए, इसकी नोक कितनी नीचे होनी चाहिए, देखें ये आपको नोक नजर आ रही है हल्की सी है या बस इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा करेंगे तो आपकी जो निडल सुई है वो बार बार टूट जाएगी और धागा भी आपका टूट जाएगा। उम्मीद है मुझे आपको समझ आ गई होगी। नाज़िम देख रहे मैं सिर्फ आपको जूम करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पता चल जाए। नाज़िम ये देख रहे हैं गौर से कि नोक कितनी नीचे है, ये देखें बस नाज़िम इतनी नोक होनी चाहिए नीचे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इस वीडियो में समझाया सिर्फ निडर गाज के बारे में, कितना डाउन और कितना अप होना चाहिए, इसकी नोक कितनी शटर के नीचे होनी चाहिए, ये देखें ये मैंने आपको बताया, इसलिए मैं आपको राम सुकून से बताता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। इस वीडियो में मैंने आपको निडर गाज के बारे में बताया इसकी सेटिंग कैसे की जाती है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मूवी में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा शटर के बारे में, शटर की टैमक कैसे ठीक की जाती है। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हमें फिर दोबारा समझाया जाए, मैं आपको फिर दोबारा रिपीट करके बताऊंगा। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट मूवी में फिर आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।